पंजाब के दरमियान जो चल रहा है, इसमें क्या आपके खिलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है वफाक की जानिब से, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या लाहौर भी सफ़र कर रहा है? ये जो लाइसेंसिंग सेंटर है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है। और इस लाइसेंसिंग सेंटर में मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ लाहौर के और यहाँ पर आके इस फैसिलिटी को अवेल करें, इन्जॉय करें। सवाल गंदम, जवाब चना। CCPO अपने तबादले से मुतालिक सवाल टाल गए। CD42 के रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको तब्दील किया जा रहा है? क्या पंजाब और विफाक के दरमियान तनाव में लाहौर भी मुतासिर हो रहा है? गुलाम महमूद डोगर जवाब देने के बजाय लाइसेंसिंग सेंटर की खूबियां गिनवाने लगे। CCPO गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करें, विफाक की नई समरी आ गई। महकमा SNGAD ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। वजीर आला से नई गाइडलाइन मांग ली गई। दरियाए रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा। गैर मुल्की जरे मुबादला में हायल बड़ी रुकावट दूर हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी को कानूनी तहफ़ मिलेगा। पैसे की पाकिस्तान मुंतकली के लिए भी खसूसी कानूनी तहफ़ हासिल होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अराजी की मलकियत 25 दिन में मुकम्मल होगी। रूडा एक्ट में तरमीम के बाद सरमायाकारों को फास्ट ट्रैक मुयसर आया। खतीज जरे मुबादला पाकिस्तान मुंतकिल होगा। अंधेर नगरी चौपट राज डायरेक्टर पी हुटा ने रिटायरमेंट के बाद खुद ही तोसी की समरी भिजवा दी। डॉक्टर मुर्तजा हैदर पी हुटा में बतौर डायरेक्टर टेक्निकल 5 साल काम किया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ में 3 साल डॉक्टर मुर्तजा हैदर को DG का चार्ज दिए रखा। डॉक्टर मुर्तजा हैदर 24 सितंबर को बतौर सीनियर मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड हुए। डॉक्टर मुर्तजा हैदर ने रिटायरमेंट के बाद भी पी हुटा का दफ्तर ना छोड़ा। तो सी की समरी किस तरह भिजवाई जा सकती है? स्पेशलाइज्ड हेल्थ खामोश। पंजाब के 5 मेडिकल कॉलेजेस के नए प्रिंसिपल तैनात। प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट नए प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तैनात। डॉक्टर सोफिया फरुख प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। प्रोफेसर रशीद कमर राव प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान मुकर्रर। प्रोफेसर जहांगीर सरवर खान रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और प्रोफेसर फैसल बिलाल लोधी प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद तैनात। इंसदादे स्मोक के जिला इंतजामिया की नई हिकमत, 10,000 से ज्यादा डेंगी वर्कर्स को बतौर इंफॉर्मेशन सोर्स इस्तेमाल करने का फैसला। डेंगी वर्कर्स कूड़ा करकट फसलों की बाकियात को आग लगाने की इतला देंगे। इंसदादे स्मोक के हवाले से DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। इंसदादे स्मोक की खिलाफ वर्जी पर 150 टीमें तश्कील दे दी गई। आलूदगी से जान ना छूटी, लाहौर आज तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 163 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में AQI 233 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक पर काबू पाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम 12 अक्टूबर से फॉल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के इंस्पेक्शन के लिए 7 एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दे दिए। फसलों की बाकियात जली तो डिप्टी कमिश्नर फारिग होगा। माहौलियाती आलूदगी मापने वाले आलात का ना होना शर्मनाक है। स्मोक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ाने के लिए रूल्स में तरमीम का हुक्म। हाईकोर्ट ने स्मोक एमरजेंसी डिक्लेयर के लिए मुवज्जा कवानीन के बारे में मुआवनत तलब कर ली। रजिस्टर्ड गाड़ियों का टैक्स सिर्फ पंजाब में काबिले कबूल होगा, दूसरे सूबों या इलाकों में व्हीकल्स टैक्स की अदायगी काबिले कबूल नहीं। काबीना कमेटी ब्राय अमूर कानून साजी ने तरमीम की मंजूरी दे दी। चीनी शहर नानजिंग को लाहौर का जुड़वा शहर करार देने की भी मंजूरी। पंजाब त्यानजिन यूनिवर्सिटी रसूल यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम भी कर दी गई। लेस्को ने बिलों में जायद यूनिट्स डाल दिए, ऊपर से रीडिंग तस्वीर भी गायब कर दी। शहरी बिल ठीक करवाने लेस्को टाउनशिप डिवीजन पहुंच गए। बिल ठीक करवाने के लिए शहरी परेशान, चक्कर लगाने पर मजबूर। महकमा बल्दियात में 11,000 नई भर्तियां होंगी। वजीर आला परवेज इलाही ने भर्तियों की समरी की मंजूरी दे दी। Grade 1 से Grade 4 तक 11,000 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा बल्दियात के 58,000 मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब में मुतअद्दिद अफसरों के तकर्रर तबादले। अंबर गिलानी डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना, रामेश्वर जावेद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस रावलपिंडी तैनात। अब्दुल सलाम आरिफ असिस्टेंट कमिश्नर जनरल और मुनव्वर अब्बास एसी रेवेन्यू लाहौर लग गए। आयशा मुमताज को एडिशनल सेक्रेटरी चाइनीज सिक्योरिटी महकमा दाखिला और ताहिर अकरम को डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव लगा दिया गया। गवर्नमेंट मुंशी टीचिंग हस्पताल में चार नई डायलिसिस मशीनें नस्ब। सदर अली हजवेरी ड्रग बैंक डॉक्टर जहीरुल हसन मीर ने इफ्तिताह किया। एमएस दाता दरबार हस्पताल डॉक्टर अब्दुल हमीद, वकार अहमद, नायब वसीउद्दीन असलम समेत दीगर मौजूद थे। शहर में डेंगू के वार जारी, मजीद 132 मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 302 मरीज दे रहे इलाज। 24 घंटों के दौरान शहर के 1155 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। इंसदादे डेंगू सरगर्मियों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? लाहौर के 10 हाई स्कूल रेड लिस्ट में शामिल। सीडीजी गर्ल्स स्कूल तकिया, लहरी शाह गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल समनाबाद, गवर्नमेंट स्कूल शादबाग और दीगर शामिल। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल्स हेड से जवाब तलब कर लिया। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 200% से ज्यादा टैक्स का मामला। एलडीए एवेन्यू 1 फाउंडर ग्रुप का रायमंड रोड पर एहतजाज। सदर मियां फयाज, नवाज बसरी समेत दीगर ओहदेदारों की शिरकत। हुकूमत से इजाफी टैक्स 10 रोज में खत्म करने का मुतालबा। PHFMC प्रोग्राम के मुलाजमीन का आज भी एहतजाज। मुजाहिरीन फैसल चौक में सरापा एहतजाज। पंजाब के 14 इजलास से आए मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन को रेगुलर करने का मुतालबा। सिटी ऑफ मुंतजिर महदी का माल रोड का दौरा, ट्रैफिक के इंतजाम देखे। खबरदार होशियार, अब एहतजाज करें तो देख भाल के। सिक्योरिटी जोन में एहतजाज नहीं होगा। वजीर आला ने हाई सिक्योरिटी जोन बनाने की मंजूरी दे दी। माल रोड सिविल सेक्रेटरी डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज पर पाबंदी होगी। ऐवान वजीर आला के बाहर भी एहतजाज पर पाबंदी होगी। लाहौर के सालाना तरक्याती बजट में 8 अरब रुपए का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट का हुजम 40 अरब कर दिया। बजट में तरामीम करके 3 अरब का मजीद फंड भी जारी। अर्बन डेवलपमेंट, बल्दियाती, सेहतियामा के मंसूबों का बजट बढ़ाया गया। सूबा भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में तबादलों से पाबंदी उठाने का फैसला। 15 नवंबर तक ऑनलाइन तबादलों की दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी। 25 नवंबर तक स्क्रूटनी की जाएगी। 1 दिसंबर को असातिज़ा के तबादलों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पब्लिक टॉयलेट्स के मंसूबे पर महकमे आमने सामने। पीएचए के छोटे ऑफिसर ने मस्ती गेट में जेर तामीर बैतुल खला मसमार कर दिया। जोनल ऑफिसर जावेद हामिद का कहना है, टॉयलेट्स की तामीर से मुतालिक इल्म नहीं था। एमसीआर के मुताबिक 2 रोज कबल पीएचए को बाकायदा आगाह किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई। हमजा शहबाज के खिलाफ कोई बयान रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर से कल दलाइल तलब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी कल पेश होने की हिदायत। सूबाई वुज़रा महमूदुर रशीद मुराद रास के खिलाफ जालसाजी का केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन अदालत का 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA से 31 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। किराए पर ली गई दुल्हा की गाड़ी खराब होने का मामला। अली ऑटोज मुगलपुरा के मैनेजर के खिलाफ 1,27,000 हर जाने का दावा दायर। सर्फ अदालत में जहीर शेरवानी ने दावा दायर किया। जज अदनान मुश्ताक ने मैनेजर को 14 अक्टूबर को तलबी का नोटिस भिजवा दिया। डायरेक्टर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर यूसुफ फलाली की टाउन हॉल आमद। यूसुफ फलाली ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान से मुलाकात की। कमिश्नर का उर्दू बाजार को जल्द किताब स्ट्रीट बनाने का ऐलान। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का मुनावा पुलिस लाइंस का दौरा। CCPO गुलाम महमूद डोगर का स्मार्ट लाइसेंसिंग सेंटर का भी मुआयना। नए स्टेट ऑफ द आर्ट में मेन गेट का इफ्तिताह किया। शहरियों का लाइसेंसिंग सेंटर के क्याम पर CCPO से इजहार तशक्कुर।
साबिक सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक की पहली बरसी, लिबार्ड के नाम से इदारा बनाया, मजदूरों का सहारा बने, फलाही कामों में हमेशा पेश पेश रहे। अरकान असम्बली अली परवेज और ख्वाजा इमरान नजीर की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खानी की। चौधरी शहबाज महर इश्तियाक मुबशर जावेद हमरा थे। टाउनशिप में परवेज मलिक के लिए दुआया तकरीब भी हुई। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल से सूबाई वज़रा की मुलाकात। वजीर दाखिला हाशिम डोगर, उमर आफ्ताब ढल्लो, समीउल्लाह चौधरी ने मुलाकात की। साबिक MNA मिर्जा हसन बचाश खान न्याजी, शकील बलोच और दीगर भी मिले। तरक्याती कामों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साफ रोशन सरसब्स लाहौर मुहिम। कमिश्नर आमिर जान ने मियानी साहब कब्रिस्तान के ग्रीन बेड्स पर सफाई का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि आज कब्रिस्तान के अंदर सफाई और धुलाई होगी। कब्रिस्तान में 400 पौधे लगाए जाएंगे। आलमी योम हैवानात की मुनासबत से सेमिनार ब्रुक पाकिस्तान और महकमा लाइफ स्टॉक ने इहतमाम किया। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन सहर, नईम अब्बास, डॉक्टर जावेद गोंदल की शिरकत। ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग में नए तुलबा के लिए इस्तकबालिया कैंप। इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से तुलबा को खुश आमदीद कहा गया। फर्स्ट ईयर के तुलबा में फूल आगाही किताबचे तकसीम। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के तुलबा में बास्केटबॉल मैच फाइनल ईयर ने सेकेंड ईयर को शिकस्त दे दी। फाइनल ईयर की टीम ने 18 के मुकाबले में 22 पॉइंट स्कोर किए। गवर्नमेंट शादाब इंस्टीट्यूट में पैरा ताइक्वांडो कैंप। खसूसी बच्चों में पैरा ताइक्वांडो का यूनिफॉर्म तकसीम किया गया। मलिक फारूक ऐवान, आबिद हाशमी, शहजाद हारून भुट्टा की शिरकत। और हॉकी फेडरेशन को सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत से रोक दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का NOC देने से इनकार। कहा गया कि 3 रुकनी कमेटी का फैसला आने तक हॉकी से मुतल्लिक किसी भी शख्स या टीम को NOC नहीं दिया जाएगा।